सुना है, इनको हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 99 कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये 99 नहीं हैं बल्कि बेशुमार हैं। इन नामों के हवाले से जो बुनियादी बात है और जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला के इन नामों का मुताला करते हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो नाम हैं 99 जिनको हम कहते हैं अल्लाह ताला के जो अस्माल हुसना हैं, दरअसल ये अल्लाह ताला का तारुफ है। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ जो है ना हमारे सामने रखा है कि वो कौन है। इन नामों के हवाले से हमारा तसव्वुर जितना वाज़ह होगा उतना हमारे रब से हमारा ताल्लुक़ करीब होता जाएगा और ज़्यादा पुख्ता होगा, और इन नामों के हवाले से हमारा ताल्लुक़ जितना कमज़ोर और ख़राब होगा उतना ही हमारा ताल्लुक़ जो है अपने रब से ख़राब होगा। जो नाम मैंने आपके सामने पेश किया है वो है अल्लाह ताला का मुबारक और बाबरकत नाम अल-वहाब। अल-वहाब वहब से मुश्तक है, अल-वहाब वहब से मुश्तक है। ये लफ्ज़ हमारे ज़बान में भी इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं हिबा करना, ये बड़ा मुस्तमल लफ्ज़ है उर्दू में हिबा करना। हिबा करने का मतलब ये है अता करना, देना किसी को उसके इस्तेहकाक के बग़ैर कोई चीज़ अता करना। तो वहाब के माने ये हैं कि बग़ैर किसी मुआवजे के या बग़ैर किसी गरज के किसी को कुछ अता करना, तो ये है अल-वहाब का बुनियादी मफहूम। मौलाना अबुल-आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अल-वहाब का जो तर्जमा करते हैं वो करते हैं फ़याज़ हकीकी, उसी माने में इस्तेमाल हो रहा है, देने वाला, अता करने वाला, हिबा करने वाला, बग़ैर किसी इस्तेहकाक के देने वाला, तो वो फ़याज़ हकीकी मौलाना अबुल-आला मौदूदी इसका तर्जमा करते हैं। काज़ी सुलेमान मंसूरपुरी असमाल हुसना की किताब है उनकी, उसमें अल-वहाब की तशरीह में वो लिखते हैं अल-वहाब वो है जो अता हाय सूरी और मानवी और अतियात दुनियावी और उखरवी का मालिक है, तमाम अतियात का वो मालिक है। यही इसम है जो बतलाता है कि बंदे के पास उसके घर की कोई चीज़ नहीं, उसकी अपनी मिल्कियत कोई भी नहीं है, वो सब अता इलाही है। जो कुछ भी है हमारे पास वो सब अता इलाही है, और इस अता इलाही के लामुतनाही सिलसिला है, इसके वजूद का लामुतनाही सिलसिला है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लुगत में अल-वहाब मुबालगे का सीगा है, मुबालगे का सीगा है, ये फ़ाल के वज़न पर है, फ़ाल, अल-वहाब फ़ाल के वज़न पर है। वहाब का मतलब है अता करने वाला, और इसका फ़ैल वहब से है, वहबा यहब वहबन, और हिबा उस चीज़ को कहते हैं जो बिला मुकाबिल दी जाए। इबन मंजूर लिसान अल-अरब एक बहुत बड़ी किताब है अरबी ज़बान की, इबन मंजूर लिसान अल-अरब में लिखते हैं हिबा खालिस अतीय को कहते हैं, खालिस अतीय को कहते हैं जो किसी गरज व गायत से पाक हो। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वहाब किसको कहते हैं। हिबा खालिस अतीय को कहते हैं जो किसी गरज व गायत से पाक हो। अगर देने वाला कसरत से अता करे, अगर देने वाला कसरत से अता करे तो वो वहाब है, अगर देने वाला कसरत से अता करे तो वो वहाब है। अल-वहाब ये अल्लाह ताला का नाम है, कुरान मजीद में 3 मकामात पर आया है। एक मकाम मैं आपके सामने रख चुका हूँ सूरह आले इमरान, दूसरा मकाम सूरह साद आयत नंबर 9 में है। अल्लाह ताला का इरशाद है अम इंदहुम खज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़ल वहाब, क्या तेरे अल-वहाब परवरदगार के रहमत के ख़जाने उनके कब्ज़े में हैं। इसी तरह से एक और जगह पर यह लफ्ज़ आया है और वह है सूरह साद आयत नंबर 35, उसी सूरह में आयत नंबर 35, قال رب اغفر لي وهب لي, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़बानी दुआ है। قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب, ए मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे और मुझे वो बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार ना हो, बेशक तू ही असल दाता है, असल देने वाला तू ही है। अल-वहाब वो है, हमें इस तफसील से जो अब तक मालूम हुआ वो क्या है, अल-वहाब वो है जो बिला मुआवजा, बिला मुकाबिल, बिला इस्तेहकाक, और जिसे चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है देता है। अल-वहाब बिला मुकाबिल, बिला इस्तेहकाक, बिला मुआवजा, जिसको चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है देता है, और अपने बंदों पर इनाम और इकराम की बारिश करता है, इनाम और इकराम की बारिश करता है। वो अल-वहाब इसलिए है, क्यों है वो अल-वहाब, वो अल-वहाब इसलिए है कि वो तमाम मौजूदात का मालिक है, सारे ख़जाने उसके कब्ज़े में हैं,
जिसे चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है देता है, सारे खजाने उसके कब्जे में हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मारूफ हदीस है, अल-वहाब के हवाले से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रखने जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ हदीस है, तहादौ तहाबू, एक दूसरे को तोहफा दिया करो कि इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये हदीस जो है ना, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी नफ्सियात के एक बड़े अहम पहलू की तरफ निशानदेही की है। इंसानी पहलू की, इंसानी नफ्सियात का एक अहम पहलू है, इंसानी नफ्सियात का एक अहम पहलू ये है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे तोहफा दिया करें, इससे दिलों की कदूरत दूर होती है और फिर मोहब्बत में इजाफा होता है। इंसान नफ्सियाती लिहाज से, नफ्सियात के लिहाज से, अपने तरकीब के लिहाज से तोहफे को पसंद करता है, तोहफे लेना पसंद करता है। इसका अल्लाह ताला के नाम अल-वहाब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसे मालूम है कि इसके नफ्सियात में कौन सी चीज़ ज़्यादा इसको पसंद और मरगूब है। अल-वहाब एक और दलील है कि अल्लाह ताला हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो जहन में रखिएगा तहादौ तहाबौ वाली बात। इसलिए हमें मालूम होगा कि इंसान, इंसान को जिसे अल्लाह ताला ने अहसन तकवीम पर पैदा किया है, वो अपने खालिक और मालिक के नज़दीक कितना अहम और बुलंद मकाम रखता है। ये इंसान, इसे अल्लाह ने पैदा किया, उसके नफ्सियात से वाकिफ है। अल-वहाब का एक और पहलू ये है कि हमें मालूम होगा इससे कि ये जो इंसान है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया, वो अल्लाह ताला के नज़दीक कितना बुलंद मकाम रखता है। इस मकाम को देखकर, इस मकाम को देखकर फरिश्तों ने भी उस पर रश किया है। ये मकाम अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी नहीं दिया। खालिक कायनात के सामने इंसान की क्या हैसियत है, हमें मालूम होना चाहिए कि इस इंसान की क्या हैसियत है इस पूरे कायनात के सामने। इसके बावजूद अल्लाह ताला इस इंसान से मोहब्बत करता है, इसके बावजूद अल्लाह ताला इस इंसान से मोहब्बत करता है। मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी हदीस कुदसी रखना चाहता हूँ, बहुत प्यारी हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी इस तरह से है कि या इबादी, ए मेरे बंदो, लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन मिनकुम, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारा अव्वल और तुम्हारा आखिर, यानी पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक, व इंसकुम व जिन्नकुम, और तुम्हारा जिन और तुम्हारा इंस सब मिले, सब सब के सब इकट्ठे, सब के सब सबसे ज़्यादा मुत्तकी के दिल जैसे हो जाएं। इंसानों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी दिल वाला कौन है? सब सब इंसान मिलके, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक, और इंसानों के ग्रोह समेत इंसान, जिनों का ग्रोह, ये सब मिलके अगर एक मुत्तकी दिल के हामिल जैसे हो जाएं, तो फिर ये चीज़ मेरे मुल्क में इजाफा नहीं कर सकती। अल्लाह के मुल्क में इजाफा होगा इससे? नहीं होगा ना। और अगर, हदीस का आखिरी हिस्सा है, और अगर तुम्हारा अव्वल और तुम्हारा आखिर और तुम्हारा इंस और तुम्हारा जिन सब के सब मिलके सबसे ज्यादा फाजर और फासिक दिल के जैसे हो जाएं, मा नक्सा ज़ालिका मिन मुल्की शैया, मेरे मुल्क में से कोई कमी नहीं होगी। होगी कमी? नहीं होगी ना। और फिर इस हदीस में है, ए मेरे बंदो, या इबादी, अगर तुम्हारा अव्वल और आखिर, तुम्हारा इंस और जिन सब मिलकर इकट्ठे होकर एक मकाम पर खड़े होकर मुझसे मांगे, पूरी इंसानियत, तमाम जिन्नों का पूरा ग्रोह, अव्वल इंसान से लेकर आखिरी इंसान, मैदान अरफात समझ लें, सब के सब इकट्ठे एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगे और उनमें से हर एक की मैं मांग पूरी करूं, मा नक्सा ज़ालिका मिन मुल्की शैया, मेरे मुल्क में से कोई कमी नहीं होगी। मेरे मुल्क में से कोई कमी नहीं होगी सिवाय इसके कि समंदर में एक सुई डाली जाए, उस सुई में कितना पानी लगेगा, उसी कितनी गीली होगी, उस समंदर में क्या कमी करेगी। तो अल्लाह का ख़जाना देखिए और उसकी अता देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए हमसे। अब अंदाज़ा कर सकते हैं, अल-वहाब नाम जो है ना, सरासर मोहब्बत पर मबनी है। ये हमें एहसास दिलाएगा कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। फिकह, कानून और शरीयत की सलाह में हिबा का जो मतलब है वो ये है कि बग़ैर किसी कीमत के, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी लालच के कोई चीज़ किसी की मिल्क में देना। हिबा का मतलब फिकह की सलाह में ये है, बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी कीमत के, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी लालच के कोई चीज़ किसी की मिल्क में देना। कोई शख्स कहता है
कि तुम मेरे पास एक महीने काम करो, इस एक महीने के काम के बदले में मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा, ये हिबा है? हाँ, नहीं है, ये मुआवजा है, ये हिबा नहीं है। हिबा बिला मुकाबिल, बिला इस्तेहकाक, बिला किसी लालच के, बगैर किसी चीज़ के कोई चीज़ आपकी मिल्कियत में दे देना, हिबा यही है। कोई शर्त नहीं, कोई इस्तेहकाक नहीं। हम कहते हैं अल्लाह का फजल है, हमें मालूम होना चाहिए ना इसका मतलब क्या है। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं और अल्लाह का फजल है भी कहते हैं। अल्लाह का फजल है क्या मतलब है? अल्लाह का फजल है इसका मतलब क्या है? अल्लाह का फजल का मतलब ये है कि अल्लाह ने मुझे वो चीज़ दी है जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। अब मतलब औलाद जो है ना अल्लाह का फजल है, रिज्क जो है अल्लाह का फजल है, जो भी चीज़ आपको दी गई है ना ये अल्लाह का फजल है, आप उसके मुस्तहक नहीं हैं। अल्लाह ने आपको हिबा कर दी है, आपको अता कर दी है बगैर किसी इस्तेहका के। तो अलवहाब कौन है? अलवहाब वो है जो अपने बंदों को बिला मुकाबिल, बिला इस्तेहकाक, बिला बदल, बिला मुआवजा, बिला उम्मीद, बिला लालच कोई चीज़ दे देता है, अता करता है। कोई शख्स मुझे तोहफा देता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। कोई शख्स मुझे तोहफा देता है तो वो वाहिब है, वाहिब बगैर इस्तेहकाक, बगैर किसी शर्त, हाँ बगैर किसी मुआवजे कोई चीज़ मुझे मिलती है। तो जो देने वाला शख्स है वो कौन है? वाहिब, उसने मुझे हिबा की है ना कोई चीज़। कोई शख्स बार बार मुतअद्दिद मौके पर मुझे बड़े कीमती और नादिर तोहफे पेश करता है, ये है वहाब। एक दफ़ा देने वाला और बार बार मुसलसल देने वाला, बगैर किसी इस्तेहका के, बगैर किसी वजह के बार बार मुझे कीमती कीमती चीज़ें देने वाला, वो है अलवहाब। जब तोहफे मुतअद्दिद कीमती और नादिर हो जाएं, बेहद्दो हिसाब हो जाएं, तो फिर क्या कहा जाएगा? इन्नका अंतल वहाब। इसीलिए कहा गया ना अलवहाब अल्लाह का नाम है। इंसान कितना ही सखी हो, कितना ही देने वाला हो, वाहिब तो हो सकता है, वहाब नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जो कुछ भी दे रहा है, जो कुछ भी अता कर रहा है, खुद उसकी अपनी मिल्क में नहीं है, वो तो अल्लाह की मिल्क में से दे रहा है ना। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें इंसान दे नहीं सकता, इसलिए वो वहाब नहीं हो सकता। सेहत नहीं दे सकता, औलाद नहीं दे सकता, बहुत सारी चीज़ें इंसान नहीं दे सकता, हालांकि उसके बस में बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं दे सकता, इसलिए वो कतई तौर पर वहाब नहीं हो सकता। वो वाहिब हो सकता है, अलवहाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही हो सकता है। अल्लामा खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वहाब सिर्फ वही हो सकता है जिसकी अता दायमी और मुसलसल हो। अलवहाब वही हो सकता है और सिर्फ वही हो सकता है जिसकी अता दायमी और मुसलसल हो। मखलूक भी अता करते हैं मगर उनकी अता महदूद है, एक दफ़ा देगा, दूसरी दफ़ा देगा, तीसरी दफ़ा देगा, चौथी दफ़ा देगा, बस फिर उसके बाद तो नहीं देगा ना। वो मरीज़ को शिफा नहीं दे सकते, वो बांझ को औलाद नहीं दे सकते, गुमराह को हिदायत नहीं दे सकते, ये तमाम चीज़ें अलवहाब के कब्ज़े में हैं। इसीलिए अलवहाब होना उसी का हक है, अल्लाह का ही हक है कि वो अलवहाब हो। एक और पहलू ये है कि जो शख्स भी वाहिब है वो अल्लाह की तौफीक से वाहिब है। जो भी शख्स वाहिब है ना वो अल्लाह की तौफीक से वाहिब है। एक और पहलू भी है, वाहिब जो है, वाहिब इंसान अपने हिबा से कोई ऐसी चीज़ दे सकता है कि मुझे नुकसान पहुंचाए। वाहिब जो है कोई तोहफ़ा मुझे देता है, बज़ाहिर वो तोहफ़ा बड़ा खूबसूरत है, बहुत कीमती है, बहुत नादिर है, लेकिन उस तोहफे से मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए अलवहाब सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। अलवहाब वो है जो अपनी मिल्क से, अपनी मिल्क से मुझे बिला हद हिसाब, बगैर किसी इस्तेहकाक, बगैर किसी शर्त के वो चीज़ें दे जो मेरी मनफात में हों। एक और पहलू हमारे सामने आया, अलवहाब वो है जो अपनी मिल्क में से बिला शर्त, बिला इस्तेहकाक, बिला बदल, बिला लालच, बिला उम्मीद, बिला मुआवजा मुझे वो चीज़ें दे जो मेरी मनफात में हों और जो मेरी मसलहत में हों। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी अता ये है कि उसने इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है ना,
لقد من اللہ علی المؤمنین, من کا لفظ استعمال ہوا ہے, احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس انسانوں کے اوپر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. کہ یہ انبیاء اور رسولوں کی بعثت جو ہے نا, یہ بلا حساب, بلا مقابل, بلا معاوضہ, بلا کوئی بھی چیز نہیں, اس کے ہم مستحق بھی نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے رحمت کے طور پر ہمیں ہمارے لیے انبیاء اور رسول مبعوث کیے. اور پھر یہ دین حنیف, یہ دین, یہ اللہ تعالیٰ الوہاب کا ہبا ہے, بہت بڑا ہبا ہے. الوہاب ہدایت اور نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے. اس سے پہلے ہم نے پریکٹس کی تھی, آپ کو یاد ہے الحمدللہ کہنے کی, یاد ہے آپ کو, کہتے چلے جائیں مرتے دم تک وہ ختم نہیں ہوگا سلسلہ, آپ اس کا حق عطا نہیں کر سکتے. اس کی توفیق کے بغیر ہدایت اور نیکی کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ اس کی توفیق ہے, یہ ہے الوہاب. الوہاب کسی کی محنت, مزدوری یا ذاتی فائدہ یا اظہار تشکر کے طور پر نہیں, بلکہ محض اپنے جود اور کرم سے عطا کرتا ہے, اپنے جود اور کرم سے عطا کرتا ہے. وہ دینی اور دنیاوی, ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کا حقیقی مالک ہے. اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے, الوہاب وہ ہے جو اپنے مخلوق کی حقیقی ضروریات سے آگاہ ہے, ان کو اسی طرح سے دیتا ہے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہو, وہ چیز جو ان کے نفع دینے والی چیز ہو, اپنے بندوں کے ضروریات, اپنے مخلوق کی ضروریات سے آگاہ ہو, ہر مقام, ہر وقت اور ہر زمانے میں اس کے جود و سخا کے رنگ مختلف ہوں, ہر زمانے کے لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں دیتا ہے. انسان خواہ کتنا ہی داتا اور سخی کیوں نہ ہو جائے, وہ کتنا ہی شریف و نفس اور شفیق اور مہربان کیوں نہ ہو, جب عطا کرتا ہے تو نفس کے کسی گوشے میں کدھر کدھائی نہ کہیں پر اس عطیے کا صلہ چاہتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا بیٹھا ہوگا یہاں پر شیطان, جو کہہ رہا ہوگا کہ تم نے دیا ہے, بہت بڑی چیز دی ہے, اب اس کے بدلے کا انتظار کرو. وہ چاہتا ہے تشکر کم سے کم, شکریہ کے الفاظ کم سے کم ادا ہو جائیں. بے حد تو حساب دیتا ہے لیکن اس کا صلہ بھی چاہتا ہے, کسی نہ کسی طور پر اس کا صلہ چاہتا ہے, اس کی امید رکھتا ہے کم سے کم. الوہاب کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ الوہاب کون ہے؟ الوہاب وہ ہے جو دیتا ہے, بغیر حد و حساب دیتا ہے, اپنی ملک میں سے دیتا ہے, وہ ان چیزوں سے دیتا ہے جو ہمارے نفع کے لیے ہوں اور اس کے قبضے میں ہوں, اس کی ملکیت میں ہوں. اب جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں. ہم میں سے ہر آدمی ذرا سونے سے پہلے اس بات کا جائزہ لے کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی چیزیں عطا کی ہیں, کون کون سی چیزیں عطا کی ہیں جو ہم نے مانگی ہیں, اور وہ کون سی چیزیں جو اس نے عطا کی ہیں اور بن مانگے عطا کی ہیں, ہم نے مانگی نہیں تھی. ایک بہت پیاری آیت ہے, بہت پیاری آیت ہے, آپ سب کو یاد ہوگی, وہ آتا کم من کل ما سألتموہ, اور اس نے تمہیں عطا کیا ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگا اسے. وہ آتا کم من کل, کوئی چیز تم نے ایسی نہیں تھی جو تم نے مانگی اور اس نے عطا نہیں کی. میں واقعی سوچتا ہوں اس آیت پر تو مجھے لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میں نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے مجھے محروم کر دیا. کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملے گی ایسی جو آپ نے اللہ سے مانگی ہو اور اللہ نے آپ کو نہ دی ہو. وہ آتا کم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کون ترجمہ کرے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آپ نے سنا ہے انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں یہ ہے, اس کا میں بہت اہم پہلو ہے اور بہت سارے لوگوں سے مخفی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. آیت میں ایک لفظ ہے, ایک نعمت, اللہ, ایک نعمت. اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو, اس کو گننا چاہو, تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. اب اندازہ کر, صرف آنکھ کی نعمت کو لیجیے, ایک نعمت کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ, نہیں کر سکتے, شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت کی بات ہو رہی ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بہت پیاری آیت رکھنا جا رہا ہوں, سورہ سعد کی آیت ہے, ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. دیتا ہے, بے حد و حساب دیتا ہے,
जब भी मैंने मांगा मुझे दिया, किसी चीज़ से उसने मुझे महरूम नहीं किया, मुझे वो चीज़ें अता की जिसका मैं हकदार भी नहीं था। मैं कोई चीज़ मैं लिख के लाया हूँ कि मुझे औलाद मिलेगी, कोई ज़मानत है किसी के पास? अल्लाह का फजल, आप उसके मुस्तहक नहीं हैं, लेकिन अल-वहाब दे रहा है, मुसलसल दे रहा है। मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत वाकया रखना चाह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत वाकया। हमारे यहाँ एक अल्लाह की रहमत का एक बड़ा अजीब तसव्वुर है, हालांकि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, उसका हम इदराक नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। वो जिसको चाहता है, जितना चाहता है, जब चाहता है, उसको कौन रोक सकता है? दे सकता है या नहीं दे सकता? दे सकता है ना। हम कौन होते हैं अल्लाह की रहमत पर पाबंदी लगाने वाले? मैं एक इसराइलियात से एक वाकया रखना चाहता हूँ आपके सामने। इसराइलियात का वाकया है, और आपको मालूम है इसराइलियात के बारे में, ला तुसद्दिकूहा वला तुकज्जिबूहा, ना इसकी तस्दीक करो ना इसकी तकजीब करो, मुमकिन है सही हो, मुमकिन है गलत हो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से बनी इसराइल को लेकर जा रहे थे फलस्तीन की तरफ और समंदर पार करने वाले थे, तो उस वक्त उन्हें वही की गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि जाने से पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाकियात को ले जाओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहाँ मदफून हैं? मिस्र में मदफून हैं। तो उन्हें वही की गई कि निकलने से पहले, मिस्र से निकलने से पहले यूसुफ़ की बाकियात ले जाओ, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बाकियात ले जाओ। तो बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया, नहीं मिला। जितने इस बनी इसराइल के बुजुर्ग थे सबसे पूछा, किसी को मालूम नहीं था कि कहाँ है खबर, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, किसी को मालूम नहीं हो सका। आखिर में बनी इसराइल यहूदियों की एक बुढ़िया, बहुत बूढ़ी, बहुत बूढ़ी, उन्हें मिली, और उनको मालूम था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, कौन सी है। तो फौरन पहुंचे उनकी खिदमत में, उस बुढ़िया की खिदमत में, और कहा कि अम्मा मुझे बताओ वो कब्र कहाँ है ताकि मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बाकियात ले जाऊँ। अम्मा बहुत सयानी थी, अम्मा ने कहा कि मैं नहीं बताऊँगी, मैं कभी नहीं बताऊँगी, मेरी शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है, कयामत के दिन जन्नत में मेरा वही मकाम होगा जो तुम्हारा मकाम है, तब मैं बताऊँगी, वरना नहीं बताऊँगी। अब अंदाजा कर सकते हैं, बहुत मुश्किल शर्त है ना। एक आम बुढ़िया है यहूदियों में से, बनी इसराइल में से, उसने कहा कि मैं हज़रत यूसुफ़ की कब्र मुझे मालूम है, मैं कभी नहीं बताऊंगी, बताऊंगी उस सूरत में कि मुझे ज़मानत दो कयामत के दिन जन्नत में मेरा वही मकाम होगा जो तुम्हारा मकाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं अल्लाह का कलीम, साहिब तौरात, अल्लाह का रसूल, ये कैसे हो सकता है कि आम इंसान का मकाम मेरे मकाम, मेरे बराबर जैसा हो? नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने उनसे उनको वही की, वली मला तरदा या मूसा, ए मूसा क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम क्यों राजी नहीं होते? अरबी में कहा जाता है तदफा मिन जेबक, क्या मतलब है इसका? अपनी जेब से दे रहे हो, क्यों राजी नहीं होते, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तदफा मिन जेबक, अपनी जेब से दे रहे हो, क्या मसला है, क्या मसला है अगर तुम्हारा मकाम इस बुढ़िया का मकाम बराबर हो, क्या मसला है? देने वाला कौन है? आप अंदाजा कर सकते हैं, हम अल्लाह की रहमत को महदूद कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं ये कबूल नहीं होगा, नहीं ये काम नहीं होगा, ये अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। कौन है तो कहने वाले, हम कौन है कहने वाले कि ये काम माफ़ नहीं होगा और ये काम कबूल होगा और ये काम कबूल नहीं होगा? आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से हमने अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया है। अब एक चीज़ मालूम करनी है, बड़ी अहम, इसमें भी बड़ा एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। अर-रज़्ज़ाक अल्लाह का नाम है, अल-वहाब अल्लाह का नाम है। हमने कहा अल-वहाब कौन है? हाँ, जो देता है, बगैर इस्तेहकाक के देता है, बेहद हिसाब देता है, जब चाहता है, जितना चाहता है देता है, उसका मुआवजा नहीं चाहता, उसका बदल नहीं चाहता, अल-वहाब ये है। अर-रज़्ज़ाक कौन है? रिज्क देने वाला, रिज्क देने वाला अर-रज़्ज़ाक है। अल-वहाब और अर-रज़्ज़ाक में क्या फ़र्क है? अल-वहाब और ये भी देने वाला, ये भी देने वाला, अल-वहाब और अर-रज़्ज़ाक में क्या फ़र्क है? अर-रज़्ज़ाक वो है, समझने की कोशिश करें, बहुत अहम नुक्ता है ये। अर-रज़्ज़ाक वो है जो सही के नतीजे में देता है। अर-रज़्ज़ाक वो है, आसमान से रोटी बरसती है? नहीं बरसती ना, आसमान से सोना चांदी नहीं बरसता। अर-रज़्ज़ाक वो है जो सही के नतीजे में देता है, कोशिश के नतीजे में देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फमशु फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही,
इस जमीन के पीठ पर चलो, सही करो और उसके रिस्क में से खाओ, इसी में से लिखा है अल्लाह ने, यहीं पर मिलेगा तुम्हें। इसकी पीठ पर चलो, कोशिश करो, दौड़ो, सही करो, फिर उसके रिस्क में से खाओ, उसी के रिस्क में से खाओ, कहीं और से नहीं। तो रज़ा कौन है? जो सही के नतीजे में देता है। अल-वहाब कौन है? जो सही के बगैर देता है। रज़ाक सही के नतीजे में देता है, अल-वहाब सही के बगैर अता करता है। लेकिन इसमें जो बात है वो ये है कि रिज़्क के लिए पहले सही, और अल-वहाब जो तोहफा देता है वो बगैर सही, उसके लिए सही नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब है, एक इसका एक पहलू है, वो ये है, हमने कहा कि तोहफा इंसानी नफ्सियात को बहुत महबूब है। तोहफा जो है ना, बिला मुकाबिल जो चीज़ मिलती है वो इंसानी नफ्स को बहुत महबूब है। रिज़्क के लिए पहले सही, तोहफा बगैर सही। अब जो पहलू समझने का है वो ये है, सही करो, कोशिश करो, रिज़्क मिलेगा। सही करो, कोशिश करो, रिज़्क मिलेगा, ये है अर-रज़ाक। अल-वहाब कौन है? अल-वहाब है, ये लो तोहफा, अब मेरी रज़ा के लिए सही करो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? रज़ाक कौन है? रज़ाक वो है, कोशिश करो, दौड़ो, सही करो, उसके बाद रिज़्क मिलेगा। अल-वहाब कौन है? ये लो तोहफा, अब मेरी रज़ा के लिए सही करो, तुम इसके मुस्तहिक नहीं थे, मैंने तुम्हें दिया है ना, अब मेरी रज़ा के लिए सही करो। रिज़्क का इंसान आदि होता है। हम दफ्तर जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं, 30 दिन काम करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, महीने के आखिर में हमें रिज़्क मिलता है, महसूस नहीं होता अर-रज़ाक कौन है। लेकिन आप कभी दफ्तर चले जाएं और अचानक आपके मेज़ पर एक चेक रखा हो, आप कब उसका हकदार नहीं थे, आपका बस टोकन निकल आया समझ लीजिए, ये है फ़र्क। हो सकता है कि रोज़ाना की रूटीन में इंसान अर-रज़ाक को भूल जाए, लेकिन जब उसे अचानक तोहफा मिलता है तो वो अल-वहाब को नहीं भूल सकता। आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से अल्लाह ने ये जो 99 नाम है, किस तरह से इंसानी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से अपने ये नाम रखे हैं। एक आखिरी नुक्ता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है, आपका कफ़ील है, हम में से हर एक का कफ़ील है, हर एक का बॉस है, मैं अपने कफ़ील के, अपने बॉस की रज़ा के लिए सही करूँ, ताज्जुब की बात है ताज्जुब की बात, क्यों नहीं बोल रहे? सब कर रहे हैं ना, अपने बॉस को खुश करने के लिए मैं टाइम पे पहुंचूं, अपने वक्त से ज़्यादा मेहनत करूं, वक्त से ड्यूटी से ज़्यादा मैं 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करूं, उसकी रज़ा के लिए कोशिश करूं, उसे खुश करने की कोशिश करूं कि वो किसी तरह से मुझसे खुश हो जाए, ये बात बाहर से ताज्जुब नहीं है, लेकिन आका अपने बंदे को खुश करने की कोशिश करे, यह है अल-वहाब। अब अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से उसकी रहमत का कोई हद तो है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हमारी अक्ल जो है ना वो बंद हो जाती है, महदूद हो जाती है, कि जब सोचेंगे ना अल्लाह किस तरह से कितनी मोहब्बत करता है हमसे, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है हमसे, और उसके मुकाबले में हमारा क्या रवैया है, फिर अब अंदाज़ा नहीं कर सकते। इंसान दंग रह जाता है, किस तरह से मैं अपने बॉस के लिए कोशिश करता हूँ, सही करता हूँ, उसे खुश करता हूँ, वक्त पर आता हूँ, वक्त से बाद जाता हूँ, अपनी कोशिश से ज़्यादा काम करता हूँ, जो मुझसे मतलब है उससे ज़्यादा, सब कुछ किस लिए है? ताकि ये खुश हो जाए, ये आदमी खुश हो मुझसे। लेकिन जब उल्टा हिसाब हो कि बॉस कोशिश करे कि जो है ना मेरा मुलाजिम खुश हो, ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है? सिवाय अल-वहाब के कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिवाय अल-वहाब के कहीं नहीं मिलेगा, कि वो मुख्तलिफ तोहफे देता है, मुख्तलिफ अवकात में हमें अता करता है, मुख्तलिफ चीज़ें हमें अता करता है, सिर्फ इसलिए कि हम मुतवज्जे हों, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हों, हमें मालूम हो कि हमारा एक रब करीम और रहीम है। इसी तरह से एक बुज़ुर्ग का कहना है, एक बहुत ही प्यारी बात है, बादशाहों का बादशाह कौन है? बादशाहों का बादशाह जब अता करता है तो उससे उसकी उससे वजह ना पूछ, दूध से अपने करम से मुझे अता कर। इसी तरह से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने क्या कहा? इन्नम अना रसूल रब्बिकी लिअहबलकी, ताकि मैं तुम्हें हिबा करूं, तुम मुस्तहिक नहीं हो इसकी, लेकिन मैं तुम्हें मुस्तहिक बनाऊंगा। द
दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान जैसी औलाद दी, क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वहबना ले दाऊद सुलेमान, हमने दाऊद को सुलेमान हिबा किया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह से पूरी इंसानियत के लिए जो लफ्ज़ आया है, यह बोलिमई यशा उ इनासा व यह बोलिमई यशा उद्दकूर, जिसे चाहता है जो है लड़के हिबा करता है और जिसे चाहता है लड़कियां हिबा करता है। अल्लाह की नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, हम इसके मुस्तहक नहीं हैं। आप अंदाज़ा करें, एक लफ्ज़ है अरबी में वहाब और हिबा और ये तमाम चीज़ें इकट्ठे चल रही हैं, एक लफ्ज़ है अरबी में उसको कहते हैं मौहिबा, मौहिबा इसको हम उर्दू में कहते हैं सलाहियत, हम कहते हैं अरबी में मसाल के तौर पर कहा जाता है कि इसके अंदर जो है ना मौहिबा है, मौहिबा का मतलब इसके अंदर सलाहियत है। अब कौन सी सलाहियत, ये शायरी कर सकता है, मौहिबा इसके पास शायरी का मौहिबा है, अल्लाह ने इसको अता किया है, या मसाल के तौर पर इसको लिखने का या बोलने का या कोई किसी भी चीज़ का मौहिबा इसको कहते हैं, सलाहियत को, सलाहियतों को अरबी में मौहिबा कहते हैं। ये जो मौहिबा है हम इसको दो तरह से तकसीम करते हैं ना, हम कहते हैं एक कस्बी है और एक एक वहबी है और एक कस्बी है, क्या हो गया भाई हम कहते हैं ये जो सलाहियत है ना ये कस्बी है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि सीखी है उसने, पढ़ी है, डॉक्टर के पास अगर तिब की सलाहियत है तो ये पैदा होते नहीं हुई बल्कि उसने सीखी है, तो उसका क्या मतलब है, ये सलाहियत कस्बी है, उसने कसब की है, उसके पास नहीं थी उसने सीखी, तो ये जो सलाहियत है उसके पास या जो मौहिबा है वो है कस्बी, और एक को कहते हैं हम ये खुदादाद है, वह भी है, वह भी है क्या मतलब है, अता की गई है उसे, हालांकि दोनों सलाहियतें जो है ना वह भी है, कस्बी कोई चीज़ नहीं है, कस्बी कोई चीज़ नहीं होती, अल्लाह ने उसको उसको समझने की सलाहियत अता की तो वो समझा, तो उसने डॉक्टरी पढ़ी और फिर वो डॉक्टर बन गया और फिर वो लोगों का इलाज मुआवजा करने लगा, उसकी अपनी कोई चीज़ नहीं है मिल्कियत, अल्लाह ने उसको अता की एक सलाहियत कसब करने की, अखज करने की, उसने अखज किया। ये जो तमाम सलाहियतें हैं ये वक्ती हैं, ये हमेशा के लिए नहीं हैं, जितनी भी सलाहियतें हमारे पास हैं, बोलने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, या अगर हम कस्बी जिसको कहा जाता है उसको ले लें, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक शायर है, एक लिखने वाला है, एक बोलने वाला है, तमाम जितनी भी सलाहियतें हैं ये सारी सलाहियतें वक्ती हैं, एक वक्त ऐसा आता है जिसमें नज़र कमज़ोर हो जाती है, फिर सुनना कमज़ोर हो जाता है, फिर ज़बान में लुकनत आ जाती है, सेहत है, तमाम चीज़ें हैं, डॉक्टर की डॉक्टरी है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है दुनिया का, लेकिन एक उम्र ऐसी आती है कि वो घर बैठ जाता है, तो तमाम चीज़ें वक्ती हैं, न सिर्फ ये वक्ती हैं बल्कि ये ख़त्म हो जाने वाली हैं, ऐसा है या नहीं है। अल्लाह ताला अल-वहाब है, उसने हमें बहुत सारी चीज़ें अता कर रखी हैं, बिन मांगे अता कर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अल्लाह ने दी हैं, हमने अल्लाह से नहीं मांगी, हमने नहीं मांगा था कि अल्लाह ताला मुझे कान दे सके मैं सुनूँ, किसी ने मांगा है, किसी ने नहीं मांगा ना, खुद उसने दिया है, बहुत सारी सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं, ये तमाम सलाहियतें वक्त के साथ महकूम हैं, पता नहीं कब ये ख़त्म हो जाएंगी। अल-वहाब की अतिया, उसके जो अताया हैं गैर महदूद अताया, इस बात का तकाजा करते हैं हमसे कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है इससे जो है ना हम वापस उसको लौटाएं। शुक्र जो है ना किसको कहते हैं, शुक्र दिल से होता है, शुक्र अमल से होता है, शुक्र ज़बान से होता है, शुक्र उस वक्त तक शुक्र नहीं हो सकता जब तक ये तीन चीज़ें उसके अंदर मौजूद ना हों, ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करना उसकी रज़ा के लिए, उसमें दिल में मोहब्बत हो, और फिर हाथ से जो है ना आज़ा से उसके जो है ना उसके रद्द अमल के तौर पर उसकी रज़ा के लिए काम करना। तो जितनी सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं ये वक्ती तौर पर हैं, ख़त्म हो जाने वाली हैं, ज़रूरत इस बात की है अल-वहाब के फ्यूज़ और बरकात को, इनाम और इकराम की बारिशों को देखकर, ज़रूरत इस बात की है कि ये जो सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी हैं इसको हम दोबारा लौटाएँ, अल्लाह के दीन के लिए लौटाएँ, इंसानियत की खिदमत के लिए लौटाएँ, इस दीन को फैलाने के लिए लौटाएँ ना, ये सारी चीज़ें इस बात का तकाजा करती हैं कि सलाहियतें ख़त्म हो जाने वाली हैं। और फिर मसला ये है, मसला ये है कि एक आदमी था बड़ा दाना, बहुत छात्र आदमी था, बड़ी सलाहियतें थी उसके पास,
वो डॉक्टर बना, दुनिया का बड़ा मारूफ इंजीनियर बना, कोई ऐसी चीज़ बना और फिर मर गया। अगर हम बात यहीं पर ख़त्म हो जाती तो बड़ी अच्छी बात थी कि इंसान था, ज़िंदगी से फ़ायदा उठाया, ख़त्म हो गई ज़िंदगी, मर गया। मसला यह है कि वला तुसअलुन यौमइज़िन अन नईम, उस दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ये मसला है सबसे बड़ा कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है ज़ाहिर है कि किसी मकसद के लिए दिया है। जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है ये किसी मकसद के लिए अता किया, अगर औलाद भी अता की है तो किसी मकसद के लिए अता की है, अगर बिनाई दी है तो उसका मकसद है। तमाम सलाहियतें जो कुछ भी है मेरे पास, इन तमाम चीज़ों का एक मकसद है, और मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जाए, अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश की जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा किया जाए, इंसानियत का भला किया जाए। सबसे बड़ा काम अगर इंसानियत में कोई है तो वो क्या है? सबसे बेहतरीन काम पूरी इंसानियत में, पूरी इंसानी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन काम कौन सा काम है? इंसानियत के लिए काम करना, भलाई और दावत, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, मुख्तलिफ अवकात में कर सकते हैं, ड्यूटी के अवकात में भी कर सकते हैं, कितनी भी मसरूफियत हो हमारी, इन तमाम मसरूफियतों के बावजूद हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इन सलाहियतों को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो मौजू था वो था अल-वहाब। हमें मालूम हुआ अल-वहाब का मतलब क्या है। अल-वहाब वो है जो बिला इस्तेहकाक, बिला वजह, बिला मुआवजा, बिला शर्त, बिला कैद, किसी भी चीज़ के बिला 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 सब कुछ लगा दें, जो देता है जिसको चाहता है, जितना चाहता है, जिस कदर चाहता है, जब चाहता है, उसके देने का, उसके फ्यूज़ और बरकत का कोई हद व हिसाब नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस नाम के तकाजे के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।